नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारे खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अतीक के लेडी गैंग की बगावत और बेटे की सरकार से अदावत की। फिर चलेंगे लखनऊ, जहां सपा के एक खास ने बीजेपी के लिए निकाय चुनाव में जीत के आस बनकर एंट्री ली है। फिर आएंगे दिल्ली के जंतर मंतर, जहां कुश्ती के दंगल से निकले धाकड़ धुरंधर इंसाफ की उम्मीद में धरना दे रहे हैं। उसके बाद जिया खान के सुसाइड केस की बात होगी, जिसमें आज सूरज फिर उदय हुआ। और आखिर में धर्मनगरी में अधर्म के काले साम्राज्य की, जहां एक कुख्यात गैंगस्टर पूरे जेल महकमे के लिए गले की फांस बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आज का ये खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाने की मांग पर अदालत में सुनवाई जारी है। उधर अतीक के बेटे अली का एक लेटर शुक्रवार को तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उसने एनकाउंटर में मारे गए अपने भाई असद और पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की हत्या के मामले में सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया। अली फिलहाल नैनी जेल में बंद है। उधर एक और नया खुलासा हुआ कि उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले साबरमती जेल में अतीक अहमद से मिलने एक महिला पहुंची थी। बताया जा रहा है कि अतीक इस महिला से घंटों फोन पर बात किया करता था। कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के पास है। पुलिस अब शायस्ता के साथ साथ इस महिला की भी तलाश कर रही है। माफिया ब्रदर्स पर सुप्रीम सस्पेंस लगातार बरकरार है। तो माफिया ब्रदर्स पर सुप्रीम सस्पेंस लगातार बरकरार है। अली के इल्तजा बीजेपी एसपी में ही खपा हो चुके हैं। और वायरल लेटर का आखिरी सच क्या है, सच के लिए सवाल उठ रहे हैं। और आखिर शायस्ता को पता था कि वो कौन है, और शायस्ता के साथ उस महिला की तलाश लगातार जारी है। पुलिस के पास रिकॉर्डिंग भी है और लगातार वो कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही है, जिससे पता लग सके जो महिला उनके पास आ रही थी वो महिला कौन है। और जिस प्रकार अतीक के बेटे ने अखिलेश यादव पर और योगी जी पर आरोप लगाए हैं, इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिज़वी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस प्रकार देखा जाए कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि योगी जिम्मेदार है उनके पिता के लिए, और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि जब वो जेल में बंद थे तो एक महिला जाती थी और महिला की कॉल उनकी कॉल रिकॉर्ड्स तलाश की जा रही हैं, पता लगाया जा रहा है कि किस प्रकार से ये बात करती थी, महिला कौन थी, क्या कुछ नई फ्रेश अपडेट इस पूरे मामले पर और क्या कुछ नई जुगाड़ नए सुराग इसमें मिल रहे हैं। देखिए, लगातार तमाम तरह की लिस्ट अभी भी सामने आ रही है, हालांकि इसकी सत्यता की जांच भी की जा रही है। जहां तक महिला की बात है, बताया जा रहा है कि तो लगातार देखें, आपको बता दें शायस्ता के साथ उस महिला की तलाश जारी है जो देखी जाती थी अतीक के साथ जेल में, घंटों बात करती थी, मिलने जाया करती थी और अतीक उससे घंटों बात करता था। हालांकि उस फोन की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है कि कौन सी महिला थी, कौन सी बात की जाती थी, और भी बहुत सारे सवाल हैं। अतीक के बेटे ने योगी पर आरोप लगाए हैं अतीक की मौत को लेकर, का उनको जिम्मेदार ठहराया है, और लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। शायस्ता को पता था क्या वो कौन है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। शायस्ता के साथ उस महिला का तलाश पुलिस लगातार कर रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है ये मामला बहुत गर्माता जा रहा है। और आपको बता दें, उधर एक और नया खुलासा हुआ है कि उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले साबरमती जेल में अतीक अहमद से मिलने एक महिला पहुंची थी। बताया जा रहा है कि अतीक इस महिला से घंटों फोन पर बात भी किया करता था, और कॉल डिटेल पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, कॉल रिकॉर्डिंग की तलाश की जा रही है। पुलिस अब शायस्ता के साथ साथ इस महिला की तलाश में भी जुट गई है। पहले शायस्ता की तलाश की जा रही थी, इस महिला की तलाश की जा रही है। माफिया ब्रदर्स पर सुप्रीम सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अली की इल्तिजा, शोएब रिज़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब,
जिस प्रकार से देखा जाए लगातार नई नई अपडेट इस पूरे मसले पर आ रही है शोएब, और ये देखा जा रहा है कि एक जो महिला उनसे मिलने जाया करती थी साबरमती जेल में अतीक से, उसके बारे को उसको लेकर चर्चा लगातार जारी। शोएब मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो, हाँ शोएब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो महिला लगातार अतीक से मिलने साबरमती जेल जाया करती थी, उस महिला का सुराग लगाने की पुलिस धरपकड़ जारी है। अभी तक शायस्ता के लिए धरपकड़ जारी थी, अब उस महिला के लिए तलाश की जा रही है। हालांकि फोन रिकॉर्डिंग और कॉल उनके पास पुलिस के पास है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ फ्रेश अपडेट क्या और ये मामला किस तरह से मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये महिला कौन है इसके बारे में न सिर्फ एसपी है पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस महिला ने साबरमती में जाकर के अतीक से मुलाकात की थी। अलग अलग जगहों पर टीम उसकी तलाश कर रही है, उसके बारे में कितनी जानकारी अभी एसटीएफ के पास है इसके बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी हो गया। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम तरह की जो मिस्ट्री है वो सामने आ रही है, और खासतौर से वायरल लेटर एक जो हुआ है जिसमें भाजपा और समाजवादी पार्टी को वोट न देने की बात कही गई है, इसके पीछे हो सकता है कोई राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहा हो इसलिए इस तरह की चीजें की है, या इस लेटर में कितनी सत्यता है, लेटर किसका है। हालांकि इंडिया वाइज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये लेटर भी अब वायरल हो रहा है जिसमें अली के नाम से बातें कही गई हैं कि जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या की गई है उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना, इस तरह की बातें कही गई है। शोएब, अगला सवाल इस बात का आ रहा है कि अतीक के बेटे ने अतीक की मौत के लिए योगी को जिम्मेदार ठहराया है, उन्होंने कहा कि योगी जिम्मेदार है। मैं आपसे जानना चाहता हूं बीजेपी का इस पर रिएक्शन क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बारे में इस पत्र की सत्यता के बारे में भी बहुत पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पत्र के जरिए चर्चा जरूर हो रही है और यही वजह है कि इस बारे में सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो, और इसलिए जानबूझ कर किसी ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस लेटर को वायरल किया हो। हालांकि इस लेटर की सत्यता सामने आने के बाद ही, हालांकि अली के नाम से वायरल लेटर है, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है, ये लेटर वहीं से वायरल हुआ है या किसी ने साजिशन इसको वायरल किया, ये तमाम पहलू इस पर फिलहाल अभी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा जरूर लेते हुए कुछ लोग देखे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी लगातार खुद को मजबूत कर रही है। इस बीच कई विरोधी दलों में सेंधमारी की भी कोशिश की जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस और सपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई थी, तो अब बीजेपी एक बार फिर से सपा को झटका देने जारी है। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के खास माने जाने वाले अजय त्रिपाठी मुन्ना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान अजय त्रिपाठी के साथ पूर्व पार्षद अजय अवस्थी, बंटी, ताज खान समेत कई जिलों में समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन की। आपको बता दें, सपा के प्रदेश सचिव रहे अजय त्रिपाठी 2017 में पार्टी के अलगाव के बाद शिवपाल के साथ चले गए थे। इस दौरान वो प्रसपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव भी रह चुके हैं। और इस खबर पर हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए आज फिर से समाजवादी पार्टी के एक और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, किस प्रकार से देखा जा रहा है और क्या ये माना जाए भारतीय जनता पार्टी की जीत और पक्की होती जा रही है? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं बीजेपी दोहरी रणनीति को लेकर जो है मैदान में उतरी है इस निकाय चुनाव में। एक तरफ जहां पूरा धुआंधार जोर शोर के साथ में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है निकाय चुनाव की, खुद वो जिलों में जा के वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, लगातार बैठकें की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, इसके अलावा अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सभी जनता के बीच में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार अगर आप देखें तो बीजेपी में ज्वाइनिंग भी हो रही है, यानी कि जो विरोधी दल हैं उनके जो नेता रहे हैं उनको लगातार वहां से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। कल भी जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई थी बीजेपी में, आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अजय त्रिपाठी मुन्ना को जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, जो समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर जाने जाते हैं और शिवपाल यादव के काफी करीबी हैं। तो कहीं ना कहीं एक और जहां जनता के बीच में जाके मजबूत करने की रणनीति बीजेपी की चल रही है, दूसरी ओर विरोधी दल की जो पार्टी है उनको कमजोर करने की कवायद भी चल रही है कि उनके नेताओं को जिनका अच्छा वर्चस्व है क्षेत्र में उनको अपने साथ लाया जाए और उसके जरिए जब जनता के बीच में वो जाए तो वो
पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए, तो दोहरी रणनीति कह सकते हैं। लगातार बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड में धुआंधार प्रचार प्रसार के साथ में अब लगातार इस ओर कार्रवाई कर रही है कि जैसे भी जनता गए हैं वो बहुत ही खास थे शिवपाल यादव के, और उन्होंने उनके लिए कैंपेन भी किया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये माना जाए कि शिवपाल की पार्टी में नहीं चलती है और कोई ना कोई इंटरनल डिस्प्यूट्स पार्टी के अंदर चल रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, आज जब अजय त्रिपाठी ने इस बात उन्होंने अपना संबोधन हुआ तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि शिवपाल यादव ने जब से समाजवादी पार्टी को वापस ज्वाइन किया है तो उनके जो करीबी हैं उनकी अनदेखी पार्टी में की जा रही है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। खुद शिवपाल यादव पर उन्होंने कहा कि उनको भी उस तरीके से पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है जिस कद के वो नेता रहे हैं या जितनी उन्होंने जिम्मेदारियां पार्टी के लिए एक समय पर निभाई थी उसके मुकाबले उनको वो सम्मान अभी भी पार्टी में नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय पर भी देखने को मिला था, और जब बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी और प्रसपा के नेताओं ने ज्वाइनिंग करी थी तो उस समय इसी तरीके के आरोप लगाए थे। लेकिन जिस तरह से अभी मैनपुरी में उपचुनाव हुआ लोकसभा सीट पर और शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ में उतरे और पार्टी को एक बड़ी जीत जो है वो हासिल हुई, तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर देखने को मिला था। लोग ये कह रहे थे कि शायद अब शिवपाल यादव की वजह से पार्टी ये सीट को जीती है, तो कहीं ना कहीं शायद उनका खोया हुआ सम्मान भी पार्टी वापस करे। लेकिन लगातार उसके बाद भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से विरोधी दल हैं या फिर जो वो नेता जो पार्टी को छोड़ रहे हैं, चाहे वो शिवपाल यादव के करीबी हों या समाजवादी पार्टी में वो लंबे समय तक रहे, उन सब ने इस बात का आरोप लगाया है कि अभी भी चाचा शिवपाल यादव को वो सम्मान पार्टी में नहीं मिल रहा है या उनके जो करीबी हैं उनको इग्नोर पार्टी में किया जा रहा है, उनको कहीं पर कोई अहमियत नहीं मिलती है, उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता है जिसके वे हकदार हैं। और इसी तरीके का आज आरोप उन्होंने अजय त्रिपाठी ने भी लगाया, और उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं ना उनकी कोई बात सुनी जाती है ना उनके जो करीबी हैं उनको किसी तरीके की तवज्जो दी जाती है, और इसीलिए वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसका विश्वास है कि सबका साथ सबका सम्मान किया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमने तय किया है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों के मामले में FIR दर्ज कर ली जाएगी। इसके बाद पहलवानों की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सुरक्षा की मांग के साथ ही जाँच के लिए STF के गठन का अनुरोध किया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यह विषय दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर छोड़ देना चाहिए। दरअसल पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने यौन उत्पीड़न किया है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट समेत देश के कई पहलवान रविवार से दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, हालांकि FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस खबर से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस प्रकार से देखा जाए ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, अब तो काफी जो नेता हैं वो इसमें कूद पड़े हैं। अगर देखा जाए ममता बनर्जी भी इसमें कूद पड़ी हैं और विपक्ष लगातार इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ अभी फ्रेश अपडेट है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इन्होंने की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल कर आया? देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह हैं उनके खिलाफ जो FIR दर्ज कराने की मांग उठ रही थी, जिस आज जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है पहलवानों ने करा था, जो इतने 6 दिन से लगातार पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां तमाम नेताओं का जो सहयोग उनको मिला था, चाहे बात की जाए RLD कांग्रेस या बात की जाए किसान नेताओं की, जो किसान नेताओं ने भी अपना सहयोग दिया था जंतर मंतर पर जाकर, और जंतर मंतर पर 6 दिन से लगातार कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चल रहा था पहलवानों को। लेकिन उसके बाद यही साफ तौर पर पहलवान अपना यही बात रखे हुए थे कि भूषण सिंह जो अध्यक्ष हैं कुश्ती महासंघ के, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही। पहली बात यह है कि वो उससे भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं तो उसकी वजह से भी FIR दर्ज नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख जब उन्होंने किया पहलवानों ने, तो उसके बाद में जो महिला बैठी है वहां पर जो धरना प्रदर्शन में उसकी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग उठी है, उसको देखते हुए वहां के दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी सुरक्षा मुहैया कराने हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 40 से ज्यादा जो मामले कुश्ती महासंघ के खिलाफ खुले गए, जो ब्रजभूषण शरण हैं अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे की बात यहां पर की गई है। जी, ये जिस प्रकार से आपने बताया है कि लगातार प्रदर्शन की बात की जा रही है, लेकिन ये भी निकल कर आया है कि अनुराग ठाकुर को फोन किया, उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर ने फोन नहीं उठाया, इस पर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तो उसको देखते हुए भी जो है फोन किया खिलाड़ियों ने, उसे पहले आश्वासन मिला था, उससे पहले जब धरना प्रदर्शन कर रही खिलाड़ी जंतर मंतर पे आके पहली बात उन्होंने जब शुरुआत की थी तो उसके बाद जो अनुराग ठाकुर के साथ में उनकी बातचीत की गई थी, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जल्दी जल्दी FIR दर्ज कराई जाएगी, उनसे पूछताछ किया जाएगा। मैं उत्पीड़न का जो मामला सामने आ रहा था तो उसको देखते हुए जो अनुराग ठाकुर से मुलाकात की, तो उनके घर पर जो है रात का डिनर भी पहलवानों ने किया था, लेकिन उसके बाद जब आश्वासन के बाद भी उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी फिर बाद में जब किसान धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ पहलवानों का, तो उसमें जो है साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जो दिल्ली ब्रजभूषण है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा दिन जो हो गए थे तो उसको साफ तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो रुख करने के बाद आज दिल्ली पुलिस जो है FIR दर्ज करने गई है। वहीं महिला आयोग की बात की जाए तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, तो उन्होंने भी कहा था कि दिल्ली पुलिस से पूछा गया 18 घंटे के अंदर की FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है, क्योंकि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का जो मामला सामने आ रहा, तो लड़कियां जो डरी हुई थी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर, तो उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कपिल सिब्बल ने भी अपना तरफ से बयान दिया है कि इस तरीके के जो महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का जो मामले सामने रखे और जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि उनको जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि महिला जो डरी हुई है आखिरकार महिलाओं के साथ कोई बदसलूकी ना हो जाए, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो खुद धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं, जंतर मंतर पर खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी FIR भी दर्ज कराई जाएगी। जी जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिया खान सुसाइड केस में CBI कोर्ट ने करीब 10 साल बाद अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया है, तो वहीं कोर्ट से फैसला पक्ष में आने के बाद सूरज पंचोली ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देते हुए एक तस्वीर शेयर की है और लिखा, सच हमेशा जीतता है। आपको बता दें, जिया खान 3 जून 2013 को जू स्थित अपने घर पर फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली थी। इस घटना में सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। जिया खान सुसाइड मामले की जांच मुंबई की जुहू पुलिस कर रही थी और जांच के दौरान 7 जून 2013 को जिया खान के घर से पुलिस को 6 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 11 जून 2013 को बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिया खान को खुदकुशी के आरोप में उकसाने के लिए गिरफ्तार किया था। जिया सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी हो गए हैं 10 साल बाद। और इस खबर से हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी दिनकर आनंद हमारे न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। दिनकर, 10 साल बाद उनको रिहा किया गया है पंचोली को, और ये देखा जा रहा है जिया की मां का कहना है वो आगे चलकर इसकी लड़ाई को खुद लड़ेंगी। क्या कुछ स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं और मां किस प्रकार की बात कर रही हैं? सुनील, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि आज 10 साल बाद इस मामले में CBI कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। आपको बता दें, सूरज पंचोली को रिहाई दे दी गई है। इसके बाद उनकी मां का बयान सामने आया है। एक तरफ एक मां जहां भगवान को फल चढ़ा रही हैं, भगवान की पूजा कर रही हैं, तो दूसरी मां आज भी अपने संघर्ष के लिए बयान दे रही हैं कि मैं आगे भी इसके लिए संघर्ष करती रहूँगी। दरअसल ये मामला 3 जून 2013 का है, जब 25 साल के एक्ट्रेस जिया खान ने सुसाइड किया था अपने मुंबई स्थित घर। आपको बता दें कि उस वक्त उन्होंने 6 पेज का एक सुसाइड लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने साथ रेप, अबॉर्शन और कई तरह के आरोप लगाए थे सूरज पंचोली पर, क्योंकि सूरज पंचोली उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे उस वक्त। और इस मामले को लेकर जब उनकी मां कोर्ट जाती हैं तो सूरज पंचोली को मामले में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको लगभग 15 दिन बाद उनको बेल दे दिया जाता है। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद सूरज पंचोली के कई इंटरव्यू सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में मैं बहुत बुरी तरीके से इस मेंटल टॉर्चर से गुजरा हूं। मुझे लगता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरा करियर दांव पे लग गया था, जिसके बाद मेरी एक मूवी आई, उसके बाद मुझे एक ब्रेक मिला। हालांकि एक तरफ उनकी मां को देखे तो उन्होंने, उनकी मां ने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखा था। इसके साथ ही वो आगे भी कह रही हैं कि इस मामले में सूरज पंचोली आरोपी है, उसने ही मेरी बेटी की हत्या कराई है, ये आत्महत्या नहीं हत्या है। सुनील, सूरज पंचोली के परिवार का इस पर पूरा क्या कहना है और प्रशासन की तरफ से आगे क्या कहा जा रहा है? सूरज पंचोली के परिवार में खुशी की लहर है, क्योंकि जो एक मामला 10 साल से उनके बेटे पर था वो मामला कहीं ना कहीं आज खत्म होते दिख रहा है। इसके बाद वो हालांकि जांच की बात कर रही हैं, और जो उनकी मां है उन बता दें आपको कि आदित्य पंचोली जो सूरज पंचोली के पिता हैं, उन्होंने जिया खान की मां रूबिका पर मानहानि का केस भी दर्ज करवाया था 2016 में। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, हमारी इमेज को बर्बाद किया जा रहा है, ताकि हमारा बेटे का फ्यूचर डार्क में, अंधेरे में चला जाए, उन्होंने ये आरोप लगाया था। इसके बाद कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं।
बहरहाल अभी फिलहाल सूरज पंचोली के घर में खुशी की लहर है, सारे लोग खुश हैं कि उनका बेटे इस आरोप में बरी हो गए हैं। बिल्कुल दिनकर, मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि सूरज पंचोली के रिहा होने के बाद उनका स्टेटमेंट कोई आया क्या, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की कुछ कहकर? और दूसरा सवाल इसमें यही जुड़ा हुआ है कि इंडस्ट्री की तरफ से किस प्रकार का रिएक्शन देखा जा रहा है, क्योंकि सूरज पंचोली बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी अपनी पहचान रखते थे। जिस प्रकार से केस देखा गया था उसके बाद उनकी छवि धूमिल हुई थी, उनके निकलने के बाद किसी एक्टर का या एक्ट्रेस का कोई स्टेटमेंट निकल कर सामने आया? कोर्ट के मामले के बाद अब तक तो कोई सामने बयान नहीं आया है किसी इंडस्ट्री की तरफ से। उनके परिवारजनों का कहना यही है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है, 10 साल बाद ही क्यों ना हो सच सामने आया है, मेरा बेटा बेगुनाह था और दुनिया के सामने यह परिणाम सामने आया है। लेकिन जहां तक इंडस्ट्री की बात की जाए तो कुछ लोग सूरज पंचोली के फेवर में भी दिखाई देंगे, लेकिन कुछ लोग जिया खान जो कि 25 साल की एक अच्छी एक्ट्रेस थी, निःशब्द और गजनी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थी, उनके अंदर काफ़ी प्रतिभा था, शायद अगर वो रहती बॉलीवुड में नए आयाम छूते, जिसको लेकर लोग उनके फेवर में भी कुछ लोग बात करने वाले अभी भी मौजूद है। हालांकि अभी मामले को रफा दफा कर दिया गया है, सूरज पंचोली को रिहा कर दिया गया है। रिहा तो सूरज पंचोली को कर दिया गया, लेकिन सूरज पंचोली का कुछ आगे कहना है कि अपना करियर किस प्रकार से आगे बनाएंगे, क्या कुछ और आगे जाके करेंगे जिससे जो उनका एक फैंस फॉलोइंग थी डाउन हो गई थी जेल में जाकर, उसको आगे ग्रोथ मिल सके? सूरज पंचोली आगे फिल्मों में काम करते रहेंगे, उनको हीरो मूवी से उनको बॉलीवुड में ब्रेक मिला था, मूवी अच्छी खासी रही थी, सलमान खान ने बतौर उसमें एक गाना भी गाया था, सलमान खान उनको बॉलीवुड में लेकर आए। आपको बता दें कि सलमान खान और आदित्य पंचोली के बीच अच्छे रिश्ते थे और सूरज पंचोली भी आगे शायद आपको बॉलीवुड मूवी में आगे काम करते दिखेंगे, क्योंकि सूरज पंचोली इस जो ये पूरा जो एक ट्रामा सेंटर से गुजरे, वो जो पूरा यह मामला था कहीं ना कहीं उनको मेंटल टॉर्चर दे रहा था, जिसके बाद वो अब अच्छे से अपने स्किल्स अपने एक्टिंग अपने वर्क पे काम करेंगे और आगे मूवीज में काम कर सकेंगे। शुक्रिया दिनकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गैंगस्टर सुनील राठी को संभावना हरिद्वार जेल प्रशासन और पुलिस दोनों के लिए मुश्किल हो गया है। जी हां, गैंगस्टर सुनील राठी ने जेल प्रशासन को या फिर पुलिस प्रशासन दोनों की नाक में दम कर दिया है। हरिद्वार जिला कारागार में आए दिन आतंक मचाने से जेल प्रशासन परेशान है, जिसके कारण से पुलिस और जेल प्रशासन दोनों ही गैंगस्टर सुनील राठी को हरिद्वार जेल से शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं। हरिद्वार जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि उन्होंने गैंगस्टर सुनील राठी को यहां से शिफ्ट करने के लिए 15 अक्टूबर 2022 में उच्च स्तर पर पत्र लिखा था। उसके बाद 5 बार पत्र लिखकर सुनील राठी को जेल में शिफ्ट करने की मांग की गई, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। और इस खबर से हमारे सहयोगी हमारे साथ विकास चौहान लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखा जा रहा है कि 5 बार शिकायत करने के बाद भी उनकी शिकायत को नहीं सुना गया, शिफ्ट नहीं किया गया सुनील राठी को, क्या कुछ कहना है और क्या कुछ फ्रेश अपडेट है? देखिए, जिस तरह से सुनील राठी जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं हरिद्वार में कि जो जेल है वहाँ पर जब से शिफ्ट हुए हैं, तभी से हरिद्वार जो पुलिस हो चाहे जेल प्रशासन हो उसकी नाक में इसने दम किया हुआ है। क्योंकि जिस तरह से जब जैसे ही ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ गैंगस्टर जो सुनील राठी है, उसके तुरंत ही 2-3 दिन के अंदर एक जो सहायक बंदी यहाँ पर था उसके साथ मारपीट का एक मामला सामने आया था। हालांकि उसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से बात आई थी कि जिस तरह से उसके द्वारा ये की गई है, उसके बाद से ही जिला जो जेल प्रशासन है उसने अपनी जिस तरह की कहावत है उसको यहाँ से शिफ्ट करने की शुरू कर दी थी। अभी तक जेल प्रशासन के द्वारा 5 बार शासन को एक पत्र लिखा गया है कि उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। जेल अधीक्षक जो मनोज आर्य हैं, उनका ये साफ कहना है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं एक इतने बड़े जो गैंगस्टर है उसको उसकी सुरक्षा उसके देखने के लिए रहनी चाहिए, वो हरिद्वार जेल में नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वो दिल्ली से जेल से यहाँ पर शिफ्ट किया गया, उसके बाद यहाँ पर उसके द्वारा जो लोकल बदमाश हैं जो जेल में बंद हैं उनके माध्यम से एक नया नेटवर्क यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है लगातार, और लगातार ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि अभी पिछले 6 महीनों के अंदर 2 वारदात ऐसी हुई हैं जहाँ पर सुनील राठी के नाम से जो पैसे मांगने की बात सामने आई हो और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, और साथ ही इस उन मामलों में 2 युवकों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया है। तो जहाँ जेल प्रशासन उसकी जो गतिविधियां उसको लेकर चिंतित है, तो वहीं जिला प्रशासन और जो हरिद्वार पुलिस है वो भी
हरिद्वार की शांति व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं अशांत होने को लेकर यहाँ पर चिंतित है। जी बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं कि लगातार अपना नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है विकास, और ये प्रशासन के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस प्रकार का आतंक वो जेल के अंदर बनाता था जो प्रशासन के लिए नाक में दम हो गई, और साथ ही साथ आपसे जानना चाहता हूं कि 5 बार पत्र लिखने के बाद भी प्रशासन को अभी कोई भी मतलब इस तरह से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है किसी दूसरे जेल में उसको शिफ्ट किया जाएगा। तिहाड़ जेल से सुनील लाठी को हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया है। मैंने जिस तरह से बताया पहले ही दूसरे तीसरे दिन उसके द्वारा जो यहाँ पर अन्य जो बंदी रक्षक हैं, चाहे बंदी रक्षक हो चाहे बंदी हो, उनके साथ अभद्र व्यवहार यहाँ पर किया गया। लगातार अपना दबदबा यहाँ पर बनाने की जो कोशिश उसके द्वारा लगातार यहाँ पे की गई। वहीं अगर हम बात करें जिले में दो लगातार ऐसे मामले आए हैं जो बड़े, जहाँ पर उसकी रंग उसके द्वारा रंगदारी उसके नाम पर रंगदारी मांगी गई है। हालांकि पुलिस ने उन जो रंगदारी मांगने वाले हैं उनको जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन और साथ ही जेल के अंदर जो लोकल जो बदमाश हैं, चाहे वो वाल्मीकि गुट हो चाहे अन्य जो एक और गुट है उसके द्वारा जो यहाँ पर एक नया गठजोड़ यहाँ पर बनाया जा रहा है हरिद्वार जेल के अंदर, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो हरिद्वार पुलिस है वो चिंतित है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन के द्वारा 5 बार पत्र लिखने के बाद भी अभी तक उसके जो शिफ्टिंग है उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन जिस तरह से जो यूपी और अन्य जो क्षेत्रों के जो बदमाश है वो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड जो जेल है वो उनके लिए सुरक्षित है, उनकी तरफ से ये माना जाता है, क्योंकि हरिद्वार या अन्य जो यहाँ पर है बड़ी, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है फिलहाल जिस तरह से यूपी में जो पुलिस की जो छवि निकल के आई है क्योंकि बदमाश वहां से भाग रहे हैं, तो वहीं अब क्योंकि हरिद्वार या उत्तराखंड की बात करें यहाँ बड़ा शांत माहौल है, तो उसको चलते यहाँ पे इतने बड़े बदमाश यहाँ पर अभी तक नहीं हुए हैं कम से कम जब से उत्तराखंड यहाँ पर बना है। लेकिन जिस तरह की सुनील लाठी के बाद की जो गठजोड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उससे जरूर यहाँ पर चिंता के जो हरिद्वार पुलिस है उससे उसकी चिंता जाहिर है। बिल्कुल जी, शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।